ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध का नया मोर्चा खुलेगा या नहीं, ये गाजा में हो रहे एक्शन पर निर्भर करेगा। क्या तेहरान में युद्ध का सायरन बजने वाला है? इस्फहान में बारूद की बरसात होने वाली है? क्या करज में इसराइल की मिसाइलें गरजने वाली हैं? अहवाज से जंग की खतरनाक आवाजें आने वाली हैं? क्या मशहद पर मिसाइल अटैक होने वाला है? इसराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग में अचानक ईरान इंटरनेशनल हेडलाइन बन गया है। हमास से हमदर्दी क्या ईरान के लिए सरदर्द साबित होने वाली है? क्या गाजा में छिड़ी जंग तेहरान तक पहुंचने वाली है? ईरान ने इसराइल को खुली धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि नया मोर्चा खुलेगा या नहीं, ये इसराइल के गाजा में एक्शन पर निर्भर करेगा। बड़ा सवाल है, क्या ईरान युद्ध का नया मोर्चा खोलने की तैयारी में है? ईरान के राष्ट्रपति ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो गाजा के साथ हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को फोन लगाते हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दफ्तर में अचानक फोन की घंटी बजती है। मोहम्मद बिन सलमान फोन उठाते हैं, बात करते हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला फतह अल सीसी को फोन लगाते हैं, उनसे बात करते हैं। इसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से भी फोन पर बातचीत करते हैं। सवाल है, आखिर रईसी ने सऊदी के प्रिंस से ऐसा क्या कहा कि वो मिस्र और जॉर्डन फोन लगाने को मजबूर हो गए? हमास इसराइल युद्ध के दौरान दुनिया की नजर सऊदी अरब पर है, जिसका फैसला अरब का भविष्य तय करेंगे। इसलिए ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस को फोन घुमाया, जिसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस ने दो देशों से फौरन बात की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने जानकारी दी है कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने कॉल किया था। रईसी की वो घंटी 7 साल पुरानी दुश्मनी को खत्म करने वाली साबित हुई है। 7 बरसों का मौन टूटा तो दोनों नेताओं के बीच पूरे 45 मिनट तक लगातार बात होती रही। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया में जो खबर बाहर आई, उसमें कहा गया कि ईरान ने हमास के खातिर अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी को ताक पर रख दिया है। इस तरह गाजा को लेकर ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन एक ऐसे तार से जुड़ गए हैं जिसकी शुरुआत ईरान की तरफ से हुई है। इन 4 देशों के प्रमुखों के बीच हमास के इसराइल पर हुए हमले की चर्चा हुई है। इसराइल के हमलों पर बात हुई और गाजा की बर्बादी पर बात हुई है। साफ है, हमास के खिलाफ इसराइल के एक्शन को रोकने के लिए ईरान ने अपने बरसों के दुश्मन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं सऊदी अरब ने अपने नए दोस्त इसराइल को रोकने के लिए अपने पुराने दुश्मन ईरान से हाथ मिला लिया है। इसराइल की फिलिस्तीन से दुश्मनी है, इसराइल की ईरान से दुश्मनी है, वहीं ईरान की गाजा या कहें कि फिलिस्तीन से गहरी दोस्ती है। ईरान और सऊदी अरब, दो दुश्मनों के बीच हुए इस नई दोस्ती से अमेरिका भी परेशान है। उसे डर है कि अगर सऊदी ईरान के साथ साथ मुस्लिम देशों से फिलिस्तीन की मदद की तो यह जंग और विध्वंसक हो सकती है।